हाँ जी डॉक्टर साहब, जिहड़ी अज सफाई की जा रही है किन्ना वालों की जा रही है ते लगातार किन्ने दिन हो गए इन्हां नूं? ये साढ़े इत्थे लहरा गागा वैलफेयर कमेटी आ ते उहनां वल्लों पिछले हफ्ते तो मेरे नाल रैगूलर कॉन्टैक्ट च ने। उन्होंने हुण बड़ा वधिया उपराला कीता, उह कहिंदे वी जिन्नियां वी जनतक संस्थावां ने जनतक स्थान ने उन्हां नूं साफ सफाई करनी है ते उह शुरू हुण होस्पिटल तों कीता उन्हां ने। ते पिछले लगातार 7 दिन तो इन्होंने जिहड़ा वा सफाई का बीड़ा चुकया होया ते हुण बहुत ही वधिया तरीके नाल सफाई हो रही है। ते अज संडे ते होर ज़्यादा बंदे आए ने, बड़ी खुशी मिलती पई आ भी ये देख के भी सारे जिहड़े लोग इकट्ठे हो के ते होस्पिटल नूं बिल्कुल साफ बना रहे ने। ते अपना डेरा सच्चा होर जिहड़ा एक एक होर संस्था साडे नाल जुड़ी आ डेरा सच्चा सौदा, ते उन्होंने भी बंदे दिते ने सानू। ते मैनूं लगता भी ये ज कम करके इहो जी जगह बना देणगे भी इत्थे बीमारी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, भी इत्थे इन्ना वधिया काम चल रहा वा, मैं बहुत खुश हाँ जी। डॉक्टर साहब, जिहड़े इत्थे डॉक्टरां की घाट है जां स्टाफ नर्सां की घाट है, उहदे वास्ते तुसीं उपर लिख रहे हो लगातार? हाँ जी हाँ जी, उहदे बारे लिखिया होया जी। उह सानू कुछ प्रॉब्लम्स ने, उह मैं इन्हां नाल भी डिस्कस कीतियां ने, ते उह ही आ स्टैप बाय स्टैप जिहड़ियां सारियां ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे ने। मैनू तां ही बहुत खुशी आ भी ये जदों हुण साडे नाल जुड़े ने। ते कुछ मतलब एक कोऑपरेशन हुंदी आ भी, हाँ आपसी कोऑपरेशन नाल टीम वर्क हुंदा इह। हुण इह सारा कुछ जदों आप कर रहे ने, सानू एटलीस्ट सफाई दी हुण प्रॉब्लम नहीं आएगी हॉस्पिटल। हाँ जी पट्टी साहब, जिहड़ी अज सफाई की जा रही है की कहना चाहुंदे, क्योंकि वैलफेयर सोसायटी लहरा गागा च बनी आ, शहर के हर कामां दे विच ध्यान दे रहे आ, किवें देख रहे हो? जो वैलफेयर कमेटी बनी है इन्होंने मैनू भी एडिशन किया, मैनू जो एडिशन किया तो मैं बड़ा हैरान होया कि जेडे सोशल वर्कर है शहर के लहरा गागा के, और मैनू सब तो वध ये खुशी हुई है कि जेडे अपने लोग से मंदिरों गुरुद्वार जो गए सी, लेकिन इन्नी खुशी हुई कि सिविल हस्पताल के जिहड़ी इस वैलफेयर कमेटी ने जो कदम चुकया, मैं कहना भी बहुत ही शलाघाजोग है। तो मैं नगर कौंसल इंस्पैक्टर दे वल्लों भी, तो अपने निजी उहदे वल्लों भी, और पूरा इन्हां दा मैं सपोर्ट करूँगा। जो जो मेरी यह ड्यूटी लगाएंगे, वो चाहे छुट्टी का दिन है चाहे वर्किंग डे है, तो वो जो मैं ड्यूटी लाएंगे मैं इन्हां दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़ूंगा। बहुत ही खुशी हुई कि सिविल हस्पताल जिहड़ी एक बहुत ही मैं समझदा कि मंदिरां ते गुरुद्वारां तों बेहतर जिहड़ी हैगी आ उहदी सेवा च लगे हुए आ, क्योंकि इत्थे बड़ा जंगल दा जिहड़ा बणिया होया। दूसरा कि जिहड़े क्वार्टर ने, क्वार्टर दे वी क्वार्टर उह झाकदे पए आ, ते क्वार्टरां दे विच वी मैं समझदा वी बड़ा गंद है, इन्हां नूं साफ सफाईया करके। और मैं वैलफेयर कमेटी नूं इह वी करूँगा, जिहड़ियां इन्हां दीआं 3 टीमां बणियां ने, जिहड़ी हाई मतलब सीनियर सिटीजन दी बणी है, उहनां नूं वी बेनती करूँगा कि सरकार नूं वी उह हलूणा देण, क्योंकि मानयोग मंडल मैजिस्ट्रेट साहब भी बड़ा इंट्रस्ट ने ये, और जो पुराना सिविल हस्पताल है वो नाल लगती जी जगह है उतों पटवारी बुलाया गया, रिकॉर्ड देखा कि वह सिविल हस्पताल के नाम की है, तो वो जोड़े संत ने उस नाथ जी ने जोड़े उन्होंने भी असी बेनती करी है कि वो क्योंकि रेहड़ी मार्केट है जी रामे वाली कुछ जितों पब्लिक बहुत दुखी है, ट्रैफिक का बड़ा विघन पैंता, काफ़ी उत्थे बच्चों के भी लेडीज़ के भी सट्टा बजिया ने, और आवारा पशु भी उत्थे खड़ जाते हैं, लंघन थौ नहीं होंगी, और उत्थे मार्केट है जी रेहड़ी मार्केट बनाई जानी है। और मैं समझदा भी जी सिविल हस्पताल की जी सेवा चल रही है ये वास्ते मैं बहुत खुशी हुई है, मैं वैलफेयर कमेटी का बड़ा धन्यवाद कर। मलकीर सिंह, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल अपने जो हस्पताल के सीनियर ऑफिसर ने, सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने, उन्होंने साडे ध्यान च लिया भी हस्पताल के सफाई का जिहड़ा काफूस बहुत ज़्यादा होए पे, तो उन्होंने ध्यान च लिया जाओ, उन्होंने बेनती मुख रखते हुए साड़ी जी ब्लाक कमेटी हैगी ग्रीनैस सह सतनाम ग्रीनैस वैलफेयरस वालों ये सफाई की जी मुहिम है चलती है। साडे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा वालों 134 मानता भलवाई के काम चल रहे हैं, उन्होंने भी एक ये काम आता सफाई करना, जिमें कि अखा दान करना, गुरदे दान करना,
तो मरना उपरंत बॉडी डोनेट करना तो यह जे ये तकरीबन 134 मानता भलाई के काम चलाए हुए ने गे उस कड़ी के तहत अज असी डेरा सच्चा सौदा साध संगत ब्लाक लहरा गागा वालों हस्पताल सफाई कर रहे हैं। ओके मेरा नाम है जी मनजीत सिंह लहरा तो यह जी शहर के जिस हॉस्पिटल की सफाई कर जा रहे हैं यह कुछ चिर पहला फेसबुक पर एक पोस्ट पाई गई सी जिसे संबंध में इकट्ठे होने वास्ते कहा गया थी भी शहर की जो हस्पताल उसकी सफाई बहुत जरूरी है वो संबंध में असी 30-35 जने GFF के इकट्ठे हुए उस दिन कमेटी बन गई थी वेलफेयर सोसायटी भी साढ़े जी शहर का कोई भी काम असी हॉस्पिटल चलिया पहला लैके वो सफाई करनी है इतने पहला सफाई करके उस तो बाद स्टाफ की असी मंग रखा साढ़े दो ही चीज़ा ने भी इतने सेहत तंदुरुस्त हो खेड का साडा स्टेडियम वह बन गया बहुत वधिया तो एक हस्पताल दो चीज़ा सू लोड़ती शहर शहर वासियों तो अज की सफाई कर रहे हैं तो असी सहयोग मंगते हैं सारे शहर वासियों तो भी जिन्हें भी साड़ी इस वीडियो में जा देखते हैं शेयर कर लाइक कर भी ताकि वो तो वह लोग साढ़े नाल इस मुहिम के जुड़ सकन तो अपना सहयोग दे सकन तनो मनो तनो जो भी तुहाडी इच्छा है उस तरह ही चाहे घंटा ला के जाओ हॉस्पिटल के सफाई का कोई भी काम सू लगता कितने रोड़े पे ने कि लकड़ा पे कुछ भी पाया उन्होंने चक के साइड पर धर जाओ कुछ भी काम कर जो ये साड़ी जो सोसायटी बनाई है इसे मुख रख के बनाई है भी सेहत पक्षों साडा शरीर तंदुरुस्त रहे। नाम राकेश कुमार बंसल असी अज इत्थे हस्पताल च सफाई मुहिम के तहत इकट्ठे हुए हैं साढ़े हस्पताल की बहुत मंदभागी हालत सी सानू भी पता है इत्थे सफाई भी नहीं सी ते डॉक्टर भी नहीं सफाई ना होना भी एक डॉक्टर ना आने का कारण है इस करके असी पिछले संडे एक मीटिंग बुलाई GPF दे विच जिथे इस सोसाइटी का निर्माण किया तो असी सोचा कि इत्थे आपां सफाई की सेवा अपने हत्थी निभाउणी है क्योंकि जदों असी सरकारां ते इस चीज़ नूं छड्ड दिंदे आ तां कम लंबा पै जांदा है तो असी लोग सरकारां तो इन्हां चीज़ां बारे मंग भी नहीं करते जदों असी खुद लगे हाँ तो सरकार भी इस चीज़ कन्नी साडा साथ देगी तो असी शहर वासियों नूं बेनती करते हाँ कि जो भी तुसी तनो मनो तनो जिस तरह भी तुसी सेवा कर सकते हो तो साडे नाल जरूर ऐतवार का दिन सरकार ने टोटली लॉकडाउन कराया तो ऐतवार का दिन आके साडे नाल सेवा कराओ जिस तरह भी तुसी साडा सहयोग देख सकते हो वध तो वध सहयोग दो धन्यवाद।
ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਪਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ 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 ਹੁਣ